हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए तो इस ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं वो दोनों फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे पहुँच जाते हैं। अंकल उनके लिए खाना लगा देते हैं, जिस खाने को देख के वो लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं। अंकल यहाँ पे जोक से उसका नाम पूछते हैं, जोक बता देता है। अंकल कहते हैं तुम लोग फूड इंजॉय करो, मैं जाता हूँ और बाकी गेस्ट को भी हैंडल कर लेता हूँ। जोक जो से सवाल करने लगता है कि तुम काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हो अंकल के, क्या तुम उन्हें पहले से जानते हो? यहाँ पे कहने लगता है जो, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी होटल में ठहरा करता था। पहले अपनी फैमिली के साथ आता था और अब मैं अकेले यहीं पर आता हूँ, इसलिए वो मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं और मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पर ही रह रहा हूँ। आसपास की जगह को देखने लग जाता है जोक, तो जो उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर क्यों आए हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसे ट्रिप्स पे जाना पसंद नहीं है, तो फिर तुमने यहाँ पे आने के लिए क्यों हाँ कहा? जोक कहता है कि एक्चुअली मुझे भी एक वेकेशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। जोक कहने लगता है हंसते हुए, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या मुझे पता नहीं है कि तुम फिलहाल झूठ बोल रहे हो? सच बताओ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ पर जोक उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वो कहने लगता है कि तुम्हारा फेस देखो कैसा है, अब मैं तुम्हें इस तरीके से सैड और अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। वैसे भी तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। उसकी ये बात सुन के जो उसे कहने लगता है, फिलहाल मैं सैड फील कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे कुछ समय अकेला ही रहना चाहिए, इससे मुझे बेटर फील होगा। जो कहता है, नहीं, तुम्हें किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, इससे तुम्हें जल्दी बेटर फील होगा, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। वो दोनों यहाँ पर बातें करने में लगे ही रहते हैं। तभी वहाँ पे जेंग आ जाता है और जोक को देख के उसे हेलो कहने लगता है। वो उनके पास ही आके बैठ जाता है और कहता है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जोक यहाँ पे उसे कहता है, जो ये मेरा कज़न है जेंग, तुम तो इसे जानते ही होगे। यहाँ पर उसे देखकर याद आ जाता है जोक को भी कि ये तो वही पर्सन है जिसने पोक के साथ मिल के उनका वीडियो शूट करने में हेल्प की थी। यहाँ पर कहता है जो, ओ तो ये तुम्हारा कज़न है, ये तो अच्छी बात हुई। तो तुम ऐसा करो जोक, अब तुम इसके साथ अपना रूम शेयर कर लो, तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है। जोक उसे कहता है, क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं इसके साथ रूम शेयर क्यों करूँ? मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना रूम शेयर, तो तुम्हारे साथ ही करूँगा, इस चीज़ में कोई भी चेंजमेंट नहीं होंगे। और वैसे भी जेंग कौन सा अपने रूम में अकेला रहने वाला है, इसका तो बॉयफ्रेंड होगा इसके साथ पोक। वो पूछने लगता है यहाँ पे जेंग से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है? जेंग कहता है कि वो किसी से अभी फ़ोन पे बात कर रहा है, अभी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर कहने लगता है जो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड पॉक है? कौन से पॉक की तुम बात कर रहे हो? जो कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम्हारा जूनियर है ना पॉक, वो जेंग का बॉयफ्रेंड है। ये जानकर यहाँ पर हैरानी होती है जो को, और वो कहता है कि मुझे तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी वहाँ पर पॉक आ जाता है और वो हेलो कहने लगता है जो से। जो यहाँ पे थोड़ा अनहैप्पी सा नज़र आने लगता है। जो कहता है पोक से कि तुम भी हमारे साथ आके बैठ जाओ, तो वो भी वहाँ पे आके बैठ जाता है। जो कि यहाँ पे सवाल करता है जेंग से कि तुम लोग इसी प्लेस पे क्यों ठहरे हो, आखिरकार ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो गया? जेंग कहता है कि एक्चुअली मुझे पोक ने ही कहा था यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि पोक को पता था कि जो जब भी यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आता है तो इस प्लेस पे रुकता है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हम लोगों ने भी यहीं पर ठहरने का डिसाइड किया। जो कहता है, ओह ऐसी बात है। जेंग यहाँ पे पूछने लगता है उन दोनों से कि वैसे तुम दोनों कहाँ पे जाने वाले हो इसके बाद घूमने के लिए? वो दोनों कह देते हैं कि जेंग टोकू जाने की सोच रहे हैं। जेंग कहता है, वाओ हम लोग भी वहीं पे जाने की सोच रहे थे, क्यों ना साथ में ही चले? जो यहाँ पे थोड़ा सैड सा बैठा रहता है, वो कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन फिर भी पोक यहाँ पे हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है कि हाँ हमें साथ में ही जाना चाहिए। तो वो लोग फिर साथ में ही एक मिनी बस में ट्रेवल करने लगते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा होता है कि एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी है पोक और जेंग, वो दोनों एक दूसरे के फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, तो जो उनकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लगता है। जेंग यहाँ पे उसके फ़ोटो खींचने में बिज़ी रहता है, वो उसे उसके फ़ोटोज़ दिखा भी रहा होता है, उन्हें काफ़ी ध्यान से जो देखता रहता है। लेकिन जब पोक उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पे जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, वो यहाँ पे थोड़ा नाराज सा नज़र आता है पोक से। पोक भी इस चीज़ को नोटिस कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे सर में लग जाती है जो के, तो यहाँ पे उसका ध्यान रखने लगता है जोक। पोक यहाँ पे काफ़ी ध्यान से उनकी तरफ देखने लग जाता है। जोक यहाँ पे अपना हाथ ही लगा लेता है उसके सर के पीछे ताकि उसे चोट ना लगे। कुछ इस तरीके से वो लोग ट्रेवल करते हुए उस जगह तक पहुँच जाते हैं।
जहाँ पर जेंग और जोक मिलके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं पोक के। यहाँ पे वो लोग थोड़ा मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन अकेले दूर खड़ा रहता है जो सैड सा फेस लेकर। तो उसकी तरफ देखता है जोक और फिर जेंग से कहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना। वो उसकी तरफ जाने लगता है। पोक भी यहाँ पे मुड़ के देखता है जोक की तरफ और फिर जेंग से कहता है आई थिंक उन्हें मेरे बारे में पता चला है तो वो मुझसे शायद नाराज़ हो गए हैं। यहाँ पर जेंग भी उनकी तरफ देखता रहता है। यहाँ पर जोक जाकर उसके फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। तो जो उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा है मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। जोक उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हैं, ट्रिप पर आए हैं, तो बस मैं कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करने की सोच रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। जो यहाँ पे उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, अब फ़ोटोज़ डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखने लगता है पोक और जेंग की तरफ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ध्यान से जोक फिर जोक को देखता है और कहता है लगता है कि पोक के बारे में तुम्हें पता चला है तो तुम थोड़ा अजीब फील कर रहे हो, तुम हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो इस चीज़ को जान के। जो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ मेरे लिए न्यू है तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, और वैसे भी मैं और पोक एक दूसरे के काफ़ी करीब थे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लगता है कि उसने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया इसलिए वो मुझे कुछ भी इस बारे में बता नहीं पाया। यहाँ पे जोक उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जेंग ने भी मुझे खुद ही बताया था जब जाकर मुझे इस बारे में पता चला था, वरना पहले मुझे भी कुछ पता नहीं था। यहाँ पर उनकी तरफ काफ़ी ध्यान से जो देखने लगता है और कहता है वैसे भी वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि पोक ने मुझे बताया या फिर नहीं बताया। यहाँ पर उसे समझाने लगता है जो कि तुम गलत समझ रहे हो, आई थिंक पोक हिम्मत नहीं कर पाया होगा कि तुम्हें वो सब कुछ बता पाए, या फिर वो खुद अभी टाइम लेना चाहता हो इन चीज़ों को समझने में और उसके बाद तुमसे इस बारे में शेयर करना चाहता हो। यहाँ पर फिर भी जो यही कहते हुए नज़र आता है कि लगता है कि मुझ पे कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्या मैं इतना बेकार पर्सन हूँ। उसके क्लोज आके उससे कहने लगता है जोक ऐसी बात नहीं है, खुद कुछ भी मत सोचो, इससे अच्छा होगा कि तुम जाकर फेस टू फेस बात करो पोक से तो शायद तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कहने लगता है जोक कि मैं किसी के भी क्लोज नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराना चाहता हूँ। जोक उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम पोक से बात करोगे तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। जो वहीं पे चेयर पे बैठ जाता है तो जोक भी उसके साइड में बैठ जाता है और उससे कहने लगता है मैं तुम्हें मॉर्निंग से ही नोटिस कर रहा हूँ, पता नहीं तुम क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि तुम्हारे पास अगर कोई पर्सन रहेगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर कहने लगता है जो जब मैं लाइब्रेरी में था नीटा के साथ तो मैंने देखा कि वो मेरे साथ वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पता नहीं क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन मेरे साथ रहे तो वो अनकंफर्टेबल फील करे, इससे अच्छा होगा कि मैं किसी के साथ रहूँ ही ना। यहाँ पर उसे कहने लगता है जो कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, हर कोई तुम्हारे साथ रहने पर अनकंफर्टेबल फील नहीं करता है, ना तो मैं नीटा हूँ और ना ही पोक हूँ, मैं हूँ खुद जोक, देखो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, बल्कि मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुन के जो को यहाँ पे थोड़ा बेटर फील होता है और वो यहाँ पे थोड़ा स्माइल भी करने लगता है और उससे कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। जो कहता है ऑफकोर्स मैंने सच कहा है, तुमसे मैं झूठ क्यों कहने लगा। यहाँ पे जो उसे कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि ये सारी बेकार की मेरी सोच है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए ना। जो कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, वैसे भी तुम्हें औरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और इतना मत सोचा करो, मुझे देखो मेरे बारे में कॉलेज में कितने लोग गॉसिप्स करते हैं बट मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ। जो यहाँ पे कहता है क्या तुम सच में केयर नहीं करते हो औरों की। जो कहता है कि मैं सिर्फ उनकी केयर करता हूँ जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं उनकी परवाह करूँ जिन्हें मैं खास मानता हूँ अपनी लाइफ में। यहाँ पर उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लगता है जो और स्माइल भी करने लगता है। वो दोनों यहाँ पे काफ़ी समय तक एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं तो उनकी तरफ ध्यान जाता है जेंग और पोक का, वो भी उन्हें देख के थोड़ा यहाँ पे हंसी मजाक करने लगते हैं। उन दोनों का फोकस एक दूसरे से अलग ही नहीं होता है तो जेंग आवाज़ देता है, कहता है कि कब तक एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देखते रहोगे, हमें कहीं और भी जाना है तो तुम्हें चलना चाहिए। उससे जोक कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। हंसने लगता है जेंग, कहता है कि ये तो तुम बाद में करोगे ना जब वहाँ पे पहुँच पाओगे जहाँ पे हमें जाना है।
वो उन दोनों से चलने के लिए साथ में कहता है। यहाँ पर ये सारी बातें सुन के काफ़ी हंसने लग जाता है जो। जो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, क्या हो क्या है। जो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही।